कोरोना वायरस के मामलों के संक्रमण को बढ़ते देखते हुए देश में एक बार फिर कयास लगाए जा रहे हैं कि फिर से पहले दिनों के लिए 21 दिनों के लिए लॉकडाउन लगने वाला है। ताकि अभी फिलहाल इसके लिए अधिकारी सूचना नहीं आई है कि फिर से देश में पहले जैसा लॉकडाउन लगेगा, लेकिन 30 अगस्त के बाद सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं कि क्या चीज़ें खुली हैं और क्या चीज़ें बंद रहेंगी। आप सारी गाइडलाइंस जान लो, अगर वरना कहीं आप बाहर जाए तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। इस बार अनलॉक 3 पर ये सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूँ सारे दिशा निर्देश कि आपके लिए क्या करना जरूरी है और क्या करना जरूरी नहीं है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नई गाइडलाइंस में रात के दौरान लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक योग संस्थानों और व्यायामशालाओं को 5 अगस्त 2020 से खोलने की अनुमति होगी। हालांकि इस दौरान सरकार की ओर से सामाजिक दूरी समेत अन्य निर्देशों की सख्ती के साथ पालन करना होगा। आइए जानते हैं लॉक 3 पे क्या मिली है रातें और किन चीजों पर रहेगी पाबंदियां। तो मैं आपको बता दूं कि स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान 21 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे। यही नहीं, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, एंटरटेनमेंट पार्क को खोलने की अनुमति इस बार भी नहीं दी गई है। कंटेनमेंट जोन में पूर्व की तरह लॉकडाउन जारी रहेगा। उन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से जुड़े आयोजनों, रैलियों और कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी। जहां पर भीड़ होती वहां पर बहुत सख्ती के साथ पाबंदी लगा दी गई, उनको कोई यानी छूट नहीं दी गई है। इन्हें मिली इजाज़त किनको, यानी सरकार ने छूट दी है किनको मिली इजाज़त, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। फर्स्ट, सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइंस में रात्रिकालीन कर्फ्यू को हटा दिए गए, यानी अब रात में लोगों के आवागमन पर पाबंदी नहीं रहेगी। दूसरा, 5 अगस्त से योग संस्थान, जिम खोलने की मंजूरी दी गई है। हालांकि इस दौरान सामाजिक दूरी समेत दूसरे एहतियात का पालन करना होगा। तीसरा, स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को सामाजिक दूरी एवं अन्य संस्थान प्रोटोकॉल के पालन के साथ इजाज़त दी गई है। इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 21 जुलाई को जारी निर्देशों का पालन कराना होगा। पहले की तरह इस बार भी वंदे भारत मिशन के तहत इंटरनेशनल एयर ट्रेवल्स को मंजूरी दी गई है। यही नहीं, सरकार की ओर से विशेष विमानों के आवागमन को मंजूरी होगी। इन नियमों का पालन करना होगा। सार्वजनिक स्थानों व पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिए गए हैं। विवाहिक कार्यक्रमों में 50 से ज़्यादा लोगों को जमा होने की इजाज़त नहीं दी गई है। अंतिम संस्कार में भी 20 लोगों से ज़्यादा शामिल होने पर पाबंदी रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए दुकानों के सामने पर्याप्त सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी। सार्वजनिक जगह पर पान, गुटखा, तंबाकू खाना प्रतिबंध होगा, वरना आपको 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। इन्हें घर पर रहने की सलाह दी गई। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन लोग घर पर रहेंगे और कौन घर से बाहर निकलेगा। पहले की तरह इस बार भी 65 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई। ये लोग बहुत जरूरी होने या स्वास्थ्य समस्या पर ही घर से बाहर जा सकते हैं। कंटेनमेंट जोन के लिए दिशा निर्देश। कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा। हालांकि इस दौरान सामान के लाने जाने पर कोई रोक नहीं होगी। जरूरी सेवाओं को मंजूरी दी जाएगी। इससे जुड़े लोगों की आवाजाही पर भी रोक नहीं रहेगी। इसके लिए अलग से ई परमिट या इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। राज्य सरकार कंटेनमेंट जोन का निर्धारण करेगी और इलाकों की जानकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाएगी। राज्य सरकार परिस्थितियों के आधार पर इन इलाकों के बाहर कुछ गतिविधियों पर रोक लगा सकती है। तो दोस्तों, इस तरह से यानी अनलॉक 3 पे बहुत सारी गाइडलाइंस के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। तो स्कूल, कॉलेज अभी फिलहाल कोई खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। तो यानी 5 अगस्त के बाद यानी अगर देश में फिर से कंप्लीट लॉकडाउन लगे तो मैं आपको एक दिन पहले बता दूंगा। इससे लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो कमेंट में नाइस वीडियो जरूर लिखना। धन्यवाद आपका।